और रांची के कुछ अन्य पंडालों का भी जायजा लेते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त धुरवा में मौजूद है, वहाँ के पंडाल को किस तरह का प्रारूप दिया गया है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। अजय, आप धुरवा में मौजूद हैं, किस पंडाल के पास आप हैं और क्या खासियत उस पंडाल की दिख रही है? आशा, इस वक्त मैं धुरवा के बस स्टैंड स्थित पूजा पंडाल में मौजूद हूँ। मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने कैमरामैन हेमंत के माध्यम से कि ये जो पंडाल का जो भव्य पंडाल बनाया गया है, आप देखिए बेंगलुरु में एक बौद्ध मंदिर है उसी का ये शक्ल दिया गया है। बहुत हद तक पूजा समिति के लोगों को सफलता मिली है और यहाँ पर हालांकि बारिश आज हो रही है, मैं सीधे कुछ तस्वीरें बारिश की भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से बारिश ने थोड़ा पूजा में खलल डालने की कोशिश की है। ये लगातार जो मौसम विभाग ने आशंका जताई थी कि 8 और 9 तारीख को बारिश होगी, उसके पहले ही आज पूरी तरह से मौसम बारिशमय हो चुका है। बावजूद इसके पूजा पंडाल में भव्य तैयारी की गई है, पूजा समिति के लोग हमारे साथ हैं, उनसे मैं कुछ बात करने की कोशिश करूंगा। ये जो पूरा का पूरा पूजा पंडाल है, क्या दिखाने की कोशिश थी? ये प्रारूप तो अब बतला ही दिए कि कहाँ का प्रारूप है। हाँ। बस वैसे ही है, कुछ भी होता है कि बस कोई भी पंडाल का कोई स्वरूप देना होता है, तो स्वरूप आदमी दिया है और पूजा माँ का भक्ति करना है और उससे अधिक कुछ नहीं। माँ की भक्ति से शक्ति मिलती है और ये तमाम जो चेहरे हैं लगातार पूजा पंडाल में, कितना इंतजार होता है दुर्गा पूजा का, तमाम धुरवा बस स्टैंड का पूजा अपने आप में पारंपरिक है। कैमरा देखिए, पूरा साल भर हम लोग का इंतजार रहता है इस पूजा समिति पूजा के लिए और हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि इस पूजा को बेहतर से बेहतर रूप से समाज के सामने लाया जाए और माँ की पूजा में हम लोग पूरी तरह से भक्तिमय होकर के इनकी पूजा की। बारिश से कितनी परेशानी हो रही है आप लोग? बारिश से परेशानी तो हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोग उसमें से कोशिश कर रहे हैं कि उसका कुछ ना कुछ समाधान निकाला जाए। हम लोग हर तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से हर चीज का समाधान निकाला जाए। बिल्कुल आशिया, बारिश ने थोड़ा पूजा में खलल डाला है, बावजूद इसके तस्वीरें अजय आप जिस इलाके में खड़े हैं, हालांकि बारिश के वक्त बहुत ज्यादा लोग आपको मिल नहीं पाएंगे, लेकिन बिहारी लोग उस इलाके में बहुत ज्यादा बसे हुए हैं जो बिहार से आए हैं, तो क्या उसकी झलक इस पंडाल में देखने को मिलती है? क्या सोचते हैं लोग, क्या वो कल्चर नजर आता है यहाँ पर? बिल्कुल आशिया, मैं सीधे कैमरा को थोड़ा ट्राइपॉड से हटाकर मैं अपने कैमरा से अनुरोध करूंगा, तो कैमरा को ट्राइपॉड से हटाएंगे। और ये पूरा धुरवा का जो इलाका है, कहा यह जाता है कि मिनी बिहार का इलाका है, यहाँ पे बिहार से ज्यादातर लोग की आबादी है इस इलाके में। बावजूद इसके बारिश में किस प्रकार से छोटे छोटे दुकानदार परेशान हो रहे हैं, आप देखेंगे कैमरा के माध्यम से कि छोटे दुकानदारों ने बैलून का दुकान लगा रखा था, पूरी तरह से ये बारिश की वजह से भींग रहा है, परेशानी हो रही है। तो जो आशंका जताई गई थी पहली पूजा के दिन, आशा आपको याद होगा कि लगातार बारिश की वजह से मौसम खराब था और ये कहा जा रहा था कि दुर्गा पूजा इस बार बारिश में पूरी तरह से धुल जाएगा। हालांकि षष्ठी और सप्तमी को मौसम ने पूरा साथ दिया, बावजूद इसकी आज अभी से ही बारिश शुरू हो गई है। बारिश धुरवा इलाके में जो तस्वीरें देखने को मिल रहा हो आपके माध्यम से, हमारे न्यूज 11 के दर्शक देख पा रहे होंगे, पूरा का पूरा यहां जोरदार बारिश पिछले 1 घंटे से हो रही है धुरवा इलाके में, जिससे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उन पे काफ़ी बारिश का असर पड़ा। देखेंगे हमारे बगल में एक छोटे दुकानदार है, मैं उन तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कुछ उनसे बातचीत हो पाती है। कितनी परेशानी हो रही है बारिश में आप लोगों को? परेशानी हो ही रहा बात में। यही सब है, सिंघाड़ा, जलेबी, समोसा, ये सब है। आपको लग रहा है कि मौसम जैसे व्यापार प्रभावित होगा? हाँ, कोई मौसम खराब कर दिया व्यापार का। दुकानदारों में थोड़ा अफसोस, थोड़ा दुख का माहौल आसिया, क्योंकि ये बारिश पूरे तरह से जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, जो छोटे छोटे ठोले खेमचे लगाते हैं दुर्गा पूजा के मौके पर, उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। देखना होगा कि बारिश क्या कुछ राहत दे पाती है, क्योंकि 7 बजे के बाद से पूरी तरह से पूजा पंडालों में भक्तों के आने का सिलसिला जारी हो जाता है। हालांकि अभी 4:30 का पूर्वानुमान है अजय, बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान नहीं है, बारिश होगी लेकिन इसी तरह छिटपुट बारिश होती रहेगी, लेकिन ये भी है कि अगर इसी तरह बारिश होती रही तो आज लोग अपने घरों से निकल नहीं पाएंगे। चलिए अजय, शुक्रिया ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो धुरवा की ये तस्वीर थी बस स्टैंड के पास, जहाँ पर अभी लगातार बारिश, झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से थोड़े श्रद्धालु